कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए पूरे शहर में अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई अपने वार्ड में सैनिटाइज कर रहा है तो कोई वार्ड में प्रवेश द्वार पर अवरोधक लगाकर बाहर से आने वाले लोगों को रोक रहा है। ऐसे में मंगलवार को वार्ड 58 में वार्ड वासियों के सहयोग से लोबान, गूगल और कपूर से धूप दिया गया। सभी वार्ड वासियों ने दृढ़ संकल्पित होकर अपने घरों में और वार्ड के मुख्य मार्गों पर धूप के धुएं से प्राकृतिक सैनिटाइजेशन किया है। वहीं स्वयं पार्षद शिल्पा पामेचा ने कोरोना वायरस के निवारण के लिए एक महायज्ञ भी किया है, जिसमें कोरोना वायरस के नाश के नाम की आहुतियां दी गई है। पार्षद पामेचा ने बताया कि वार्ड वासियों के सहयोग और सभी के दृढ़ संकल्प से ही हमने हॉटस्पॉट के पास में होते हुए भी कोरोना को अपने वार्ड में नहीं घुसने दिया है। आपको बता दें कि जिस इलाके में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं उसी के पास में ही वार्ड 58 भी है, लेकिन गनीमत है कि अभी तक इस वार्ड से कोई भी संक्रमित नहीं मिला है। पहले तो आज निर्जला एकादशी पे पूरे क्षेत्रवासियों के साथ में पूरे उदयपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई हो इस महान पर्व की। इस महान पर्व पे आज हमारे पूरे क्षेत्र में सभी लोगों ने लोबान, कपूर, इलायची का धूप लगाया है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है कि जब सभी लोग अपने घरों को शुद्ध कर दें, अपने वातावरण को शुद्ध कर दें, तो भयंकर से भयंकर बीमारी भी वहाँ से भाग जाती है। तो इसी सोच के साथ इस पावन अवसर पर उदयपुर वासियों के लिए यही संदेश देती हूँ कि आज हमारे वार्ड क्षेत्र में जो कार्य हुआ है वो आने वाले सप्ताह में अगर हर घर में उदयपुर के हो जाए तो ये प्राकृतिक तौर पे सैनिटाइजिंग का काम करेगा और इससे ज़रूर से ज़रूर वातावरण शुद्ध हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे वार्ड क्षेत्र के लगभग 600-700 घरों में ये धूप का कार्यक्रम हुआ है। एक ही समय पर हमने संध्या में शाम को 5 बजे का ये समय दिया है, जिसमें लोगों ने सभी ने धूप लगाए हैं। गोबर के कंडे पे हमने उनको गूगल, कपूर, लौंग, इलायची के साथ में ये धूप लगाने के लिए कहा था।